हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2018, आज हम आपको बताएंगे कि कृष्ण के जन्म से मृत्यु तक जुड़े 8 अंक का राज। श्री कृष्ण के पीछे 8 अंक का क्या राज है, आइए जानते हैं। 2 से 3 सितंबर 2018 को देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात को हुआ था। भगवान कृष्ण के जीवन में 8 अंकों का विशेष महत्व तो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महानिशी काल में विष्णु लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली में राहु को छोड़कर बाकी ग्रह अपनी स्वयं की राशि और उच्च राशि में। कृष्ण जन्म के दौरान 8 अंक का जो संयोग बना उसमें कई रहस्य छुपे हुए। श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग बन रहा था। 8 मूलांक की विशेषता। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, वे इस मूलांक के अंतर्गत आते हैं। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को पाप ग्रह कहा गया है, लेकिन भाग्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह भी यही माना जाता है। शनि की स्थिति अनुकूल हो तो व्यक्ति को भाग्य का सहयोग हमेशा मिलता है। इस मूलांक वाले लोग सफलता अर्जित करते हैं। इस मूलांक के व्यक्ति पर्याय अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर एक निष्ठ होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। ये लोग दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस अंक वाले व्यक्ति या तो अत्यंत सफल होते हैं या अत्यंत असफल होते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने इस धरती पर 8वां अवतार लिया था, इसलिए 8 अंक का भगवान कृष्ण के लिए विशेष महत्व रखता है। कंस का वध करने के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसका नाश देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान करेगी। भगवान कृष्ण अपने मामा कंस का सर्वनाश की। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिन्हें अश्य भार्य का नाम दिया गया था। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने 16,100 रानियों से विवाह किया था और 16,100 रानियों का योग 8 ही आता है। भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के उपदेश है, उसके 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, को बेहतर महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण करीब 125 साल जिंदा रहे और इस अंक का योग भी 8 आता है। दोस्तों, अंक शास्त्र में 8 का अंक शनि देव का अंक माना जाता है, इसलिए शनि देव और भगवान कृष्ण का विशेष संबंध रहा है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण के पीछे इस 8 अंक का क्या विशेष महत्व है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।